स्वर्गीय संजय दिनकर भोपी यांच्या स्मरणार्थ आनंदी ग्रुप अंतर्गत संजय भोपी स्पेशल क्लब, मॉर्निंग योग ग्रुप, अलर्ट सिटीजन फोरम, खांदा कॉलनी बॅडमिंटन क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून एक धाव आरोग्यासाठी ही महिला मॅरेथॉन रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. खांदा कॉलनीतील महात्मा स्कूल ग्राउंड येथे झालेल्या या स्पर्धेला भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी झेंडा दाखवून सुरुवात केली. दरवर्षी 8 मार्च हा दिवस जगभरात जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने विविध उपक्रमांद्वारे महिलांचा सन्मान करून त्यांच्या सशक्तीकरणाचा प्रयत्न केला जातो. यालाच अनुसरून खांदा कॉलनीत महिला मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या उपक्रमास शुभेच्छा आणि महिलांना प्रोत्साहन दिले. स्पर्धेवेळी भाजप ओबीसी सेलचे जिल्हा सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, माजी नगरसेवक मनोहर म्हात्रे, भाजप खांदा कॉलनी सरचिटणीस भीमराव पोवार, युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस अभिषेक भोपी, अर्चना ठोंबरे, सामाजिक कार्यकर्त्या वंदना बावसर, डॉक्टर शीतल कांडपिळे, संजय पाटील, प्रसन्न, डॉक्टर मोतीलिंग, प्रेमा भोपी, जयंती प्रसन्न, मीता कपाडिया यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आप सभी के एंथुजियाज्म की वजह से ही आज हम आपके घर के परिवार के सारे काम होते रहते हैं. जैसा कि मंच पर हमारे जुम्बा कराने वाले सहयोगी बता रहे थे, या फिर हमारे युवा हमारी मिस पाटिल बता रही थी कि एक दिन अपने आप को क्यों देना, पूरा साल अपने आप को देना है, क्योंकि पूरा साल आप अपने फैमिली के लिए काम करते रहते हो. तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने फैमिली को फिट रखने के लिए आपको भी फिट रहना होगा. आप शायद ये जानती होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा फिटनेस की बात करते रहते हैं, हम फिट तो इंडिया फिट. तो अपने आप को आप जब फिट रखोगी तो आपकी पूरी फैमिली फिट हो जाएगी, अपने आप से इंडिया फिट होता रहेगा. आज वुमन्स की आवाज़ या महिलाओं की आवाज़ भारत का परचम हर क्षेत्र में लहरा रही है, और इसीलिए हमने देखा कि देश की नई पार्लियामेंट बनी, और ये नई पार्लियामेंट बनने के बाद हमने देखा कि सबसे पहला बिल उसमें कोई पास हुआ तो देश के जो ग्राम पंचायत थे, देश के नगर पालिका थी, उसमें तो वुमन रिजर्वेशन था 33%, पर देश का विधानसभा, देश की विधानसभाओं में नहीं था, देश के पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में नहीं था. पहला बिल जो पास हुआ उसमें देश की महिलाओं को ये अधिकार अब मिलेगा कि हर विधानसभा में पूरे स्टेट के जो कानून है, पूरे देश का जो कानून है, उसको बनाने का अधिकार 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है. तो ये ताकत आप सभी की आज देश ने मानी है, और मुझे पूरा विश्वास 2029 से देश में जो भी MLA चुन के आएगी, देश में जो MP चुन के आएगी, उनमें से मिनिमम 33% वुमन्स होगी. तो ये हर फील्ड में हमें दिखाई देगा. ये तो पॉलिटिक्स फील्ड एक फील्ड है, पर चाहे वो कॉरपोरेट फील्ड होगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, या कोई भी फील्ड होगा, प्राइवेट जॉब्स होंगे, हर फील्ड में वुमन्स ने अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है. और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं को जहाँ कहीं भी परफॉर्म करने का अवसर मिलता है, वहाँ महिलाओं ने अपने आप को कहीं भी वुमन के पीछे नहीं छोड़ा है. हमने जैसे यहाँ पर संजय भोपी सोशल ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, खारघर में जो मैराथन होता रहता है, तो इस साल खारघर में हमने जो मैराथन किया था उसका टैगलाइन था रन फॉर वुमन लेड डेवलपमेंट. तो एक समय था जो महिलाओं के इंक्लूजन की बात करता था, अब ये समय है कि महिलाओं के नेतृत्व की बात हम कर रहे हैं. तो आप सभी को समाज के हर हिस्से में नेतृत्व करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.